में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब को अपने जीवन में दूसरों के आवश्यकताओं को देख के उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज ऐसे प्रार्थना करते समय परिपूर्ण आग्रह के साथ उन्हीं लोगों की आवश्यकताएं प्रभु के सन्निधि में समर्पित करने के लिए पवित्र वचन हमें सचेत कर रहे हैं। ईसा मसीह आज के पवित्र वचन में हमसे कहते हैं, एक रात एक मित्र ने अपने पड़ोसी के घर में जाके उन्हीं से रोटी मांगते हैं। मेरे एक मित्र दूर से आए हैं, उन्हीं को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब उनके वो मित्र वो पड़ोसी अपनी असुविधाओं का गिनती लगाते हैं। मैं अभी बिस्तर पर हूं, मेरे बाल बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ सो रहे हैं, मैं उठ नहीं सकूंगा ना दे सकूंगा इत्यादि इत्यादि। अपने मित्रता के नाते भले ही वो ना दे, परंतु उन्हीं के आग्रह को देख के वो उठकर उन्हें रोटी दे देगा। आइए भाई बहनों, जब भी हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब उन्हीं लोगों का वही आवश्यकताएं गठित होने का तीव्र अभिलाषा के साथ प्रार्थना करें। प्रभु कृष्ण अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सबको जीसु।